नमस्कार, तरुण नित में स्वागत है आपका। इस वक्त मैं हूँ रायबरेली में, वही रायबरेली जो गांधी परिवार से रही है, वही रायबरेली जहाँ राहुल गांधी आए हैं। आज इस वक्त मैं यहाँ की जनता से बात करूँगा, और वो जनता से जो रायबरेली की है, कहीं बाहर से नहीं आई है, लेकिन जो बाहर से आया है उसके बारे में क्या सोचती है जनता। आखिर वो भी तो यहाँ से रहा है, उसके पुश्त रहे हैं, पर अब लोगों का क्या मिजाज है, लोग क्या सोचते हैं, इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, कहाँ से हैं आप? मैं रायबरेली से। रायबरेली से जी। हाँ, क्या लग रहा है, राहुल गांधी आए हैं, कुछ होगा? बिल्कुल होगा, और राहुल गांधी यहाँ के सांसद हैं, सोनिया गांधी यहाँ पे सांसद रही हैं और अभी भी हैं, और वो बहुत अच्छा कार्य करेंगी यहाँ पर, उनका पूरा परिवार। क्यों मोदी जी काम कर रहे हैं भाई? लोग तो कह रहे हैं मोदी जी ने काम किया, गांधी परिवार ने कोई काम ही नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ के बारे में अच्छी तरह जानता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मोदी जी भी जो भी कार्य यहाँ पर कर रहे हैं वो भी यहाँ पर लोगों की बात सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस का परिवार यहाँ काम किया है और आगे भी करेगा। किया है, बिल्कुल किया है भाई। यहाँ पर आप राज क्या नाम है, लेकिन अब तो मोदी जी काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा काम किया, मंदिर बनवाया है, 370 हटवाया, तब तो मोदी जी को वोट मिलना चाहिए ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े कार्य जैसे ITI को प्रोजेक्ट देना हुआ, रेल कोच लगाना हुआ, एम्स बनवाना हुआ, ये सब सोनिया जी के द्वारा हुआ था यहाँ पर, जो फ्यूचर बताता है, जो हिस्ट्री बताती है यहाँ पर, ठीक है। आज उसमें कार्य हो रहा है, यहाँ के लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हम लोग सोनिया जी को भूल जाएंगे, क्या उनके कार्य को भूल जाएंगे? ऐसा नहीं है। सही में आप याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखते हैं, बिल्कुल याद रखते हैं। और आप, मैं आपको बता, लोग तो कहते हैं मोदी की हवा है, मोदी की हवा है, ठीक है। हाँ, हवा तो होनी चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता है, यहाँ सब आते हैं, सब अपना कार्य करते हैं, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आप सोनिया गांधी की और गांधी परिवार की बात करते हैं, वो हमेशा कार्य किया और आगे भी करेगी, ऐसा नहीं है भाई। कार्य किए तो बहुत अच्छी बात है, क्या कहेंगे? यहाँ से सोनिया गांधी जीतती वही जीतेंगे। अच्छा, मतलब राहुल गांधी उनके जो पुत्र आए हैं वो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, पूर्व बहुत बहुत मतों से जीतेंगे। कांग्रेस का गढ़ है ये, कांग्रेस का गढ़ है। अरे नहीं, मोदी जी सब जगह काम कर, मजबूत हैं। यहाँ मोदी ने क्या किया है आप बताइए? अरे मोदी ने बड़े बड़े काम किए। कौन से? एक काम का नाम बताइए, बड़े बड़े काम मत बताइए। युवाओं को अग्निवीर बनाया है, अग्निवीर बनाया, 3 साल की नौकरी दिया, क्या किया है? सब नौकरी रद्द कर दिया है। रायबरेली के बाहर आप बोल रहे हैं, झूठ मत बोलिए, काम किया है। क्या काम किया बताइए आप, आप काम जानते हैं उनका कुछ? एक काम बताइए मोदी का, यहाँ पे एक भी काम बताइए। नहीं, काम किया भाई, नहीं क्या काम, नाम किया है आप, कौन विश्व में नाम किया है? नाम को हमको क्या, हमें काम चाहिए, नाम नहीं चाहिए, काम चाहिए। कांग्रेस ने नाम दिया, विश्व में काम किया, नाम किया विश्व में, इसका राज्य का मेरा विश्व में पहुंचाने का काम। काम बताइए मोदी का, एक काम, कोई काम जो जन जन कल्याण के लिए हो, मोदी का एक भी जन कल्याण के काम बताइए। अरे भाई, युवा हर जगह हवा चल रही, युवा जय जय बोल रहे हैं। हवा तो पंखे से भी चलती है, हवा तो पंखे से भी चलती है। वो तो बुरा हाल है यार, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हवा तो, हाँ बिल्कुल सही बात है, हवा तो पंखे से भी चलती है, हवा अपने मर्जी से भी चलती है, तुम्हारे चलाने से हवा नहीं चलेगी। यहाँ कांग्रेस है, कांग्रेस ही रहेगी। अच्छा, हाँ नहीं रहेगी, पूरी आपकी इंडिया में रहेगी, मतलब इंडिया में रहेगी। इनसे नमस्कार, कैसे हैं? अरे झूठ चल सकता है, एक साल हमेशा झूठ थोड़ी चलता है। ऐसी बात मत कीजिए, प्रधानमंत्री है भाई। क्या हुआ, हाँ कैसे हैं आप? ठीक है, यहाँ राहुल गांधी आए हैं, क्या लग रहा है, कुछ कर पाएंगे? बहुत कुछ करेंगे। अब पहले का जो बिगाड़ डाले ना, आप सुधार तो करवा करिए। अच्छा, पहले जो बिगड़ा था वो सुधार रहे हो? नहीं, तो मोदी जी सुधार रहे हैं ना। मोदी जी जितना सुधारा सुधार देने का है, गुंडा टैक्स अभी लागू है। 16 किलोमीटर का हम लोगों का परमिट है, 4 किलोमीटर पर 40 रुपया टोकन दो, जो रोड पार करो। अरे और पैसा ना दे तो लड़ाई झगड़ा मारपीट पे तैयार है। नहीं, रामराज आ गया है। कौन रामराज आ गया है? सामने चलिए, आपके सामने हम 40 रुपए देंगे। यहाँ गुंडा राज है, गुंडा राज है, गुंडा राज है, गुंडा राज। जाओ किसी कमिश्नर, क्या कहते हैं, जाओ किसी कमिश्नर से बात करो, जाओ किसी DM से बात करो, हम लेंगे। कोई कानून वसूली नहीं होगी, योगी जी ने कहा। अब भाई ठोक दो,
हम लोग हर पाँच किलोमीटर में किसी भी राय बरेली चौराहे पे जाएंगे तो हर पाँच किलोमीटर कोई 50 लेता है, कोई 70 लेता है, कोई 30 लेता है, इस तरीके तो बोलते हैं। जी ने कहा है ना कि स्वरोजगार करो तब क्या दिक्कत। बोलते हैं कि हम विधायक के आदमी हैं, बोलते हैं इस तरीके बोल के हम लोग को धमकी देते हैं कि हम विधायक के आदमी जाओ जो करना कर लो, इस तरीके बोलते हैं। बड़ा बुरा हाल है यार, कहाँ जाए ये। अरे भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? राहुल गांधी आए हैं, क्या लग रहा है कुछ कर और पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, कर लेंगे। अरे पप्पू हैं, जब आलू से सोना बना सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ये हुई बात, ये मोदी जी के पक्ष में ये हुई। मोदी जी हैं मतलब लग रहा है ना? क्या जी, मोदी जी कुछ करेंगे ना? मोदी जी ने डबल लाइन किया है, 20 साल पहले प्रोजेक्ट कांग्रेस लाई थी। हाँ। लेकिन 20 साल में किया नहीं, किया तो मोदी ने। मोदी जी ने किया, ये बात लाइन तो मोदी ने किया है। पूरा रायबली में और आधा उठा गोरखपुर का है बेडलीन को बेची दे भाई साहब। क्या 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 हुआ रहा? हाँ हाँ आइए। एम तो सोनिया गांधी ने यहाँ डाला था, चालू मोदी जी ने योगी जी ने करवाया, लेकिन उसके बाद में एम तो आज यहाँ होता पूरा फुल तरीके से पूर्ण बहुमत से। हाँ। तो आज हम लोगों को डर भटकना नहीं पड़ता, डर के पद पर सवारी नहीं उठानी पड़ती, लेकिन आधा एम तो उन्होंने उठा के गोरखपुर भेज दिया। अरे भाई तो बहुत गलत है यार। अच्छा मतलब ये दुख है आप लोग को? क्यों नहीं दुख, मतलब राहुल गुंडा टैक्स खत्म। हाँ। हो गया है। हाँ। लेकिन हर 4 किलोमीटर पर जाओ तो पैदल 40 युवा। अरे नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, क्या लग रहा है राहुल गांधी आए हैं जीत पाएंगे? सर जीतना तो जीत जाएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर जिस हिसाब से चल रहा है सरकार उस हिसाब से मोदी को आना चाहिए। मोदी? हाँ, मोदी को आना चाहिए। क्या है मोदी में, है क्या मोदी में? ये है कि कोई भी काम करते हैं तो समझदारी से करते हैं, ठीक है। समझदारी बहुत है, समझदारी उनके अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसलिए मैं भी चाहता हूँ अगर मेरी भी वोट आएगी तो मैं मोदी को दूंगा, क्यों कुछ काम देखो सबकी सरकार में कुछ काम गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, किसी के घर पे हो चाहे परिवार में। क्या हुआ एक्चुअली, मैं था नहीं, मैं कनाडा में था, मैं इंडिया में जब आया तो ये सब वार चल रहा है सर, चुनाव बहुत चीज हुआ है, ठीक है। क्या हुआ? जो अपने देखो अपने इंडिया में हर एक चीज पहले नहीं था, ठीक है, हर एक चीज का बदलाव। देखिए 2014 के बाद सब कुछ आया है, हर एक चीज बदलाव हो गई। देखो अपने जो मोदी होता है अपने भारत में तो रहता है, पर दूर दूर से जो भी कंट्री होता है ना उसको संभाल के रखता है, ठीक है, मुट्ठी मतलब जैसे विश्व गुरु है अपना भारत है ना, एक मुट्ठी में कर रखा है। देखिए देख लीजिए, इनका कहना है भारत को मुट्ठी में कर रखा है, उन्होंने भारत मुट्ठी में कर रखा है वो मानते है तब कुछ ठीक है, लेकिन उन्होंने यही बात कही थी गुंडा टैक्स खत्म। वो गुंडा टैक्स है, गुंडा टैक्स क्या है भाई, चलो और कहीं देखते हैं, गुंडे लोगों से मिलते हैं, चलो। मोदी जी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। अरे नहीं, पूरे देश को। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, रुकिए, पूरे देश को खरीद लिया, खरीद लिया। हाँ। अच्छा है, हम बिक गए मोदी जी के, मतलब आप भी बिक गए, क्या दिक्कत? मोदी जी ने पूरे देश को खरीद लिया। तो क्या दिक्कत, बैंक एम्प्लॉई हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक बड़ौदा में सेवक है, सेवक है, फोर्थ क्लास में। नहीं नहीं, अरे हर पब्लिक हर 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 चीज की एक मजाल होती है। सही सर, सही। और मैं स्टाफ हूँ, मैं जानता हूँ इतना कार्य उन्होंने बढ़ाया है, हर जगह हर 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 स्टाफ उनसे परेशान है, मोदी जी से। अरे भैया लोग काम कर रहे हैं तो परेशानी का है भाई, परेशानी है क्या? अब इसकी वजह आप लोग को इसके बारे में नहीं पता, करोना करोना में क्या किया इन्होंने, करोना में रेलवे लाइन को बंद करने के लिए नाम बता दिया करोना है, पब्लिक इसमें पब्लिक बड़ी नाराज है यार, अजीब टाइप के। और ठीक है भाई, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है जीते उतेंगे? काहे नहीं जीतेंगे, काहे नहीं जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे भैया, मोदी जीतेंगे भाई। अरे मोदी अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, जिसके जो ज्यादा मेहनत किया होगा वो जीतेगा। राहुल गांधी मेहनत किए हैं? अब राहुल गांधी अब करे हुई हैं तो जीतबे करी हैं, जो को करे हुई वो जीती भैया, गलत कह रहे हैं। राहुल गांधी ठीक है, मजबूत हैं? हमका तो लगा था कि राहुल गांधी ने मोदी जीती हैं, इनके अलावा कौन ने जीती? अरे आप तो पलटी मार गए। पलटी नहीं, जो बताए थे अभी तो आपको राहुल गांधी। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि जो पार्टी ज्यादा मेहनत किए होगी वही। कौन किया सही बताइए, एकदम सही ईमानदारी से। पोस्टिंग भी कहीं नहीं दे रहे हैं, बैंक भी कभी पोस्टिंग निकाले किसी भी, बैंक वाले तो बहुत ज्यादा दुखी हैं भाई, हम जान रहे हैं, जान रहे हैं। हर जगह कोई पोस्टिंग, कोई रेलवे की पोस्टिंग कितनी निकलती थी, हर विभाग की पोस्टिंग देते थे, अब जब सब कुछ खरीदे लोगे तो पढ़ाई कौन करेगा? सही बात है, बहुत बुरा हाल है। हमारे संग हमारे सहयोगी हैं करमवीर, आइए साहब। साहब क्या पोजीशन है, ये तो स्थितियाँ बड़ी, यहाँ पे लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी हार रहे हैं, यहाँ तो
देखिए जब हम आप स्टूडियो में बैठ के डिबेट करते थे तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता था। कुछ फोन हमारे पास भी आते थे, आपके पास भी आते थे। अरे फोन ही नहीं, मतलब बहुत बुरा हाल था भाई। बता रहे थे कि सब बस मोदी में है। अब आज जब हम लोग की ये तरुण मित्र की चुनावी एक्सप्रेस टीम पहुंच गई है यहाँ, तो यहाँ जमीनी जब ग्राउंड लेवल पे आदमी पहुंचता है तब उसे हकीकत पता चलता है कि हकीकत में क्या है। तो यहाँ देख के तो बिल्कुल माथा ठनक गया, परसेप्शन चेंज हो गया। जैसा हम लोग सुबह से देख रहे हैं यहाँ कि जिस आदमी से पूछो वही। सबसे बड़ी बात, अभी तक कहा जाता भक्त, कहते ना मोदी भक्त, तो यहाँ तो राहुल भक्त है भाई। वही हमको भी नहीं समझ में आया, बड़ा अजीब लगा। हम लोग को रास्ते में यही सोचते आ रहे थे कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो सब मोदी में होगा, स्मृति ईरानी का इफेक्ट भी यहाँ पर होगा। स्मृति ईरानी दूर दूर तक नहीं है यहाँ पर। सिंह चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार में राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, ये जमाने में कांग्रेसी हुआ करते थे। 2017 चुनाव उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पे जीता था विधायकी का। लेकिन यहाँ स्थिति बड़ी अजीब लगी। एक चीज और आपने देखा, हम लोग की जब बात हो रही थी एक ऑटो वाले से कि मनोज पांडे को लेके। हाँ, अभी अभी मैं बता दूं आपको, अभी जब लोग आ रहे थे तो मनोज पांडे, आप लोग ना जानते हो तो बता दें, सपा के एक नेता थे जो उन्होंने सपा छोड़कर वो बीजेपी की ओर आ गए, उनके बारे में मनोज पांडे ने के बारे में बताया। हाँ बताइए, तो क्या बात। जैसे वो ऑटो वाला बता रहा था हम लोगों को कि भैया मनोज पांडे ने यहाँ कोई काम नहीं किया, अपने सहयोगी हैं तनुज जी, इनका डिबेट भी हुआ उस पे कि ब्राह्मण हमारे कैमरे के पीछे जो हैं, हमारे सहयोगी हैं तनुज जी, मैं उनसे मिलवाऊंगा आपको, अभी तो कैमरे के पीछे तो उन्हीं की वार्तालाप हो रही थी, क्योंकि मैं तो जरा सा करता नहीं हूँ वार्तालाप, मैं सिर्फ कैमरे पे ही करता हूँ, मेरा एक नियम है। मजेदार बात है, जैसे तनुज ने पूछा उससे कि ब्राह्मण कितने हैं, तो उसने कहा तकरीबन 11% 11.5% यहाँ रायबरेली में हैं। तो उन्होंने पूछा भाई तुम ये बताओ कितने ब्राह्मण नेता यहाँ हैं कि 10,000 की भीड़ इकट्ठा कर पाए। तो उसने कहा कि नहीं कर सकता, कोई नहीं है ऐसा। मनोज पांडे के बारे में लोगों ने बताया कि भैया वो इस समय खाली मुस्लिम और यादों के यहाँ जा रहे हैं, पंडित तो पूछ नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें जो थी, हम आप वहाँ जब एसी स्टूडियो में बैठते थे तो चीज़ें नहीं समझ में आती थी। बिल्कुल, मोदी भक्त हम लोगों को गालियाँ देते थे तो हमें भी कभी कभी रात को लगता था मिस फायर तो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आए। तो इसीलिए हम लोगों के प्रबंधक संस्थान ने कहा कि भैया आप ग्राउंड जीरो पे जाओ और वहाँ से पता करो। तो जैसा कि सुबह से हम आप इस धूप में लगभग 38-40 के आसपास पारा है रायबरेली का और चुनावी पारा भी यहाँ हाई है, तो परसेप्शन चेंज हो गया बिल्कुल। चलिए अब ग्राउंड जीरो पे हम लोग बने हुए हैं, आप लोग भी लिखिएगा कि हम लोग यहाँ कहाँ कहाँ जाएं। वैसे तो हम लोग लगातार जा रहे हैं, अब हम लोग लाइव करेंगे, लगातार हमारा लाइव यहाँ से देखते रहिएगा। आते मान एक फायर आप लोग के लिए ये रहा। चलिए अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए तरुण मित्र, लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। हमारे कैमरे के पीछे हैं तनुज, नमस्कार।